आप सबको तो पता ही है इस मंडे 30 सितंबर को सुबह 5 बजे हम लोग निकल रहे हैं मुंबई शिरडी वन डे रिटर्न राइड के लिए। इस राइड में मेरे साथ मेरे एक सब्सक्राइबर है दिगंबर यादव और दूसरा मेरा दोस्त है वासुदेव अजरा जो कि मेरा पिलियन रहने वाला है। टोटल 480 किलोमीटर की ये वन डे रिटर्न राइड है जिसमें 14 से 15 घंटे लग जाएंगे क्योंकि 240 किलोमीटर जाना और 240 किलोमीटर आना, लगभग 240 किलोमीटर कवर करने को 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। तो आज तक आपने मेरे जितने भी राइड देखे मुंबई गोवा पुणे लवासा नासिक सिन्नर शिरडी जो भी मैंने आपके राइड देखे है मेरे, तो इस राइड के दौरान 200 किलोमीटर के बाद बैक पेन होता ही था थोड़ा बहुत। तो बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि अभी अगर ये राइड पे जा रहा हूँ इतने लंबे राइड के लिए तो एयर कुशन या फिर एयर सस्पेंशन सीट जो आती है वो यूज़ करके मैं देख लेता हूँ कि क्या फ़र्क पड़ता है। तो यूट्यूब पर मैंने बहुत से रिव्यूज़ देखे हैं और कुछ महंगे एयर सीट्स भी थे, उन कंपनी का मैं नाम नहीं लूँगा जो 4,500 रुपये से स्टार्ट होते हैं, लेकिन मुझे मेरे बजट के हिसाब से सीट ढूंढनी थी और जो कि बहुत ही अच्छी हो। तो ये फिगो फ्लोट ये मैंने फ्लिपकार्ट पर से मंगाया एयर सस्पेंशन सीट 2,000 रुपये का कुछ ये प्रोडक्ट है, तो इसको मैं ये इस राइड में यूज़ करने वाला हूँ। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप खरीद सकते हो। अगर आप में से कोई बजट सीट लेने का सोच रहे हैं एयर सस्पेंशन सीट लॉन्ग राइड के लिए तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, यूट्यूब पर मेरे दोस्तों के बहुत से रिव्यूज़ हैं जिनके चैनल्स हैं उन्होंने इसका रिव्यू किया हुआ और यूज़ भी किया हुआ ये प्रोडक्ट, इसके लिए मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा है। तो चलिए सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसके साथ हमें क्या क्या मिलता है। और इसके साथ 6 महीने की वारंटी भी आती है, अगर आपको प्रोडक्ट में कुछ डैमेज हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो वो फ्री में रिप्लेसमेंट या फिर कुछ शायद रिपेयर करके वापस ये प्रोडक्ट देंगे, तो 6 महीने की वारंटी काफ़ी होती है। तो चलिए अब इसको अनबॉक्स करते हैं, पहले चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। थैली में कुछ नहीं है, ये आप देख सकते हो ये बाहर ऑलरेडी रेन कवर लगा के भेजा है उन्होंने, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ब्रांडिंग की हुई है फिगो। ये देखिए इस तरीके से रेन कवर दिया हुआ है ताकि अगर कभी बारिश हो तो आप सीट पर लगा सकते हो इसको। इसको साइड में रख देता हूँ। लेदर की थोड़ी बहुत खुशबू आ रही है क्योंकि मेरे ख्याल से ये फॉक्स लेदर है या फिर प्योर लेदर भी हो सकता है। और यहाँ पे मेश टाइप मटेरियल दिया हुआ है ताकि हवा पास हो जाए इसके थ्रू। और यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, थैंक यू फॉर चूजिंग फ्लोट, यू आर नॉट जस्ट अ कस्टमर यू आर पार्ट ऑफ अस, यू विल बी नोटिफाइड फर्स्ट फॉर फ्यूचर एंडेवर एंड स्पेशल ऑफर विल ऑलवेज बी प्रोवाइडेड। अच्छा, ये सब कुछ केयर फॉर लेदर कैसे करना है, हाउ टू फिक्स फ्लोट सब दिया हुआ है, यहाँ पर कितना प्रेशर भरना है सब यहाँ पर लिखा हुआ है। आप तो चलिए मैं आप लोगों को पढ़ के दिखाता हूँ यहाँ पर क्या लिखा है। लेस एयर मोर जॉय, मतलब आप जितना कम हवा भरोगे जितना, मतलब टोटल यहाँ पर लिखा हुआ है यू नीड टू पंप नॉट मोर देन 50% एयर इन द फ्लोट, मतलब लगभग आपको 50% आपके अंदाज से इसमें हवा भरनी है फ्लोट में। न्यू एल्टीट्यूड एडजस्ट एयर इफ़ यू आर राइडिंग थ्रू फ्रिक्वेंट एल्टीट्यूड चेंज एडजस्ट एयर टू सूट यूर कम्फर्ट, मतलब आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कितना भरना है वो तो आपको अंदाज आ जाएगा इसको यूज़ करते करते। चलिए इसको भी साइड में रखता हूँ और मेन सीट को देखते हैं। ये देखो कैसे स्ट्रैप दिया हुआ है, बस इसको आपको ऐसे इसमें फंसा देना है, इस यू को बस इसमें ऐसे फंसा देना है तो लॉक हो जाता है, मतलब ये आप ऐसे क्रॉस इसमें लेके ऐसे लॉक कर सकते हो इसमें डाल के, और इसको भी सीट के थ्रू ऐसे क्रॉस लेके इसमें डाल के ऐसे लॉक कर सकते हो, या फिर अगर ऐसे भी नहीं करना तो ऐसे सीधा भी लॉक, सीधा नहीं मेरे ख्याल से ये क्रॉस के लिए दिया हुआ, हाँ बिल्कुल ये आपको क्रॉस ही करना है, ऐसे क्रॉस लग के आपको लॉक कर देना है सीट को, सीट के ऊपर इसको। चलिए अब इसको खोल के भी देखते हैं अंदर क्या है। और चेन भी बहुत अच्छे कंपनी की दिया हुआ है, YKK की चेन्स दिए हुए जो कि बहुत ही अच्छा ब्रांड है। और ये अपना मेन फ्लोट, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से हवा भर सकते हो, इसको लूज करके दबाओगे तो हवा बाहर निकलेगी, देखो आवाज़ आ रही है, और फिर हवा भरने के बाद इसको बस ऐसे टाइट करना है, क्लॉकवाइज घुमाना है तो ये टाइट हो जाता है तो हवा बंद हो जाएगी बाहर नहीं निकल पाएगी। इसको बाहर निकाल के चेक करते हैं अपन,
डैमेज विमेज तो नहीं है ना, अभी देख लेते वीडियो में। बिल्कुल भी डैमेज नहीं है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। क्या है, चेक कर लेना, अच्छा रहता है। नहीं तो मालूम पड़ा राइड पे निकल गए और हवा निकल रही है तो कुछ मतलब नहीं है इस प्रोडक्ट का। तो चलिए अब इस सीट में हवा भर के देखते हैं, लेकिन उससे पहले जो ये थोड़ी बहुत हवा है वो कैसे निकालने की है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर आप नोजल देख सकते हो, ये नोजल है, इसको आपको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा के बस इसको ऐसे प्रेस करना है। ये आप हवा की आवाज सुन सकते हो, हवा निकल रही है। तो ऐसे आप हवा कम कर सकते हो। अब हवा कैसी भरनी है वो बताता हूँ। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद बस ये नोजल में से आपको हवा डालनी है इसमें। आप ये देख सकते हो पीछे पूरा हवा भर चुकी है, और हवा भरने के बाद इसको वापस राइट में एंटी क्लॉक सॉरी क्लॉकवाइज घुमा के बंद कर देना है, तो हवा बाहर नहीं निकलेगी। जैसे आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे हवा बाहर निकलेगी। तो इसी हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो कितना हवा आपको रखना है इसमें। और एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया, ये अंदर की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पे एक पॉकेट दिया हुआ है, इसमें आप कुछ भी मतलब जो अभी ये जो रेन कवर दिया था सीट का वो आप इसमें रख सकते हो। ये जो रेन कवर दिया हुआ है ये आप फोल्ड करके इस पॉकेट में रख सकते हो, इसके लिए ये पॉकेट दिया हुआ है। तो चलिए अब इसको बंद करता हूँ मैं। बहुत से सब्सक्राइबर्स मुझसे पूछते हैं कि जो भी मैं प्रोडक्ट यूज करता हूँ जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ तो उससे मुझे कुछ फायदा होता है नहीं, तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। जो भी आप लोग प्रोडक्ट खरीदते हो उसमें से समझो आप अगर 2000 रुपये का प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसमें से 200 रुपये ऐसे कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत अमाउंट मुझे मिलती है, जिससे कि मेरे चैनल को हेल्प होती है और आपके बाइकर पुष्कर को भी हेल्प मिलती है, जिससे कि मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ मेरे राइड्स के लिए प्रोडक्ट। और मैं मेरे सब्सक्राइबर को कुछ भी फालतू प्रोडक्ट्स कभी नहीं खरीदने के लिए कहता हूँ, ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ कोई भी फालतू प्रोडक्ट की। जो भी मैं यूज करता हूँ या फिर यूज कर चुका हूँ जो मुझे अच्छा लगा है प्रोडक्ट उसी की मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, और आप लोगों को भी वही मैं खरीदने के लिए सजेस्ट करता हूँ। तो बस यही आप लोगों को बताना था। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट राइड में, तब तक के लिए साईं राम, खुदा हाफिज़।